Once again. असल बताएं क्या नाम है? फीसेंट है ये, वो वाइट वाला है जो वो पेरू है, वो गोल्डन फीसेंट है, वो सामने जो बैठा हुआ है रेड और गोल्डन। चलो बात क्या नाम है? सांबर इसका नाम है सर। थोड़ा करीब बंदे की वीडियो में बात करें। सांबर जी, सांबर इसका नाम है। ये मेल है फीमेल है? मेल है ये। ये मेल है, फीमेल वो पीछे है? फीमेल वो पीछे है, जो मेल होता है उसके सींग होते हैं, फीमेल के सींग नहीं होते। ये सांबर कहाँ पाया जाता है? सांबर जंगलों में पाया जाता है, तकरीबन वो अफ्रीका के जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। इसकी क्या एज होगी? तकरीबन होगी 7 साल। ज़ेब्रा इसकी क्या एज होगी? तकरीबन 10 साल होगी। 10 साल हो ऐसे होती कितनी है? तो उम्र तकरीबन होती है 15 साल। 15 साल। ये क्या है? जो ऊपरों वाला पिलाया हुआ है जिसने, वो शितरमुर्ग है। ठीक हो गया। वो दूसरा साथ है वो ईमू है। ईमू क्या होता है? ईमू इसकी एक किस्म होती है शितरमुर्ग की। वो फीमेल है जी। और ये मेल है जी। दूसरा वो मेल जो है, फीमेल जो है उसके अंदर है, वो उसके अंदर है। तो इसकी एज कितनी होगी? तकरीबन 20 साल होगी इनकी। इनकी एज 20 साल होगी। उसे होती है एक्चुअल कितनी होती है? एक्चुअल तकरीबन 35-40 साल हो जाती है इनकी। जनाब अब बताएं इसका। ये वाइट शेर है। वाइट शेर है, क्या एज होगी इसकी? इसकी एज तकरीबन 7 साल होगी। तो ये सोया क्यों है? सोया वो फीड करते हैं ना, उसके बाद तकरीबन 8 से 10 घंटे सोते हैं ये। लाजमी लाजमी। अच्छा, ये पहले जंगले के था ना, तारे नहीं थी काफ़ी अर्सा पहले ना। ये पिंजरा ना, ए इसको एवरी बोलते हैं। एवरी इसमें मिक्स जानवर छोड़े हुए हैं, तोते भी छोड़े हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है मोर है, जो इस तरफ ये जोड़ा बैठा हुआ है, वो कूंज है, उसके साथ फिजेंट है। ठीक है ठीक है। वो तोते भी तकरीबन इसमें छोड़े हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा है ये। वाइट टाइगर है जी। ठीक है। ये कितने, ये मन्ना है माता है? ये माता है। ये माता है, ये भी खाना खाने के बाद सो जाते हैं जी। ये शेर की किस्म है ना, शेर एक ही किस्म के ये जानवर, ऐसे खाना खा के वो सो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इनकी क्या एज होती है? तकरीबन एज इसकी जो है वो 7 साल होगी, लेकिन 25 से 30 साल तक ये। तो यार ये खाना देने के लिए अंदर जाते हैं कि बाहर से फेंक देते? वो उधर से एक जगह बनी है, केज बना हुआ है। अच्छा। यहाँ से अंदर फेंक देते हैं। अंदर जाने कोई भी नहीं जाता? जब सफाई करनी होती है ऊपर बंदा करता है, वो सामने केज बना हुआ है उसका दरवाजा ऊपर चला जाता है, उसका दरवाजा ऊपर चला जाता है। यहाँ से आवाज देते हैं, वो अंदर चले जाते हैं बंद करके, फिर ये सफाई करते हैं। ये आवाज भी चले जाती है? बिल्कुल चले जाते हैं। ब्राउन टाइगर है ये? ब्राउन टाइगर है। ये मेल है जी? मेल है। इसकी क्या एज होती है? इसकी भी तकरीबन ये 10 साल का है। 10 साल का है जी। तो इसकी भी सेम है खाना खाने के बाद? सेम ये चीज, सेम वही चीज। इसका कितना का वेट होगा? ये तकरीबन 100 किलो तो होगा इसका। आप बताएं वीडियो, ये जो हाथ के अंदर टिकी है ना, जब वो उसको अंदर से पुश करता है ना, तो फिर वो निकलती है भाई, नाखून फिर निकलते हैं। वैसे नजर नहीं आते ना, आम रूटीन में अगर कच्ची जगह में और पक्की जगह में यहाँ पे घूमता है, नाखून बाहर नहीं निकलते। ये अपनी मर्जी से नाखून बाहर निकालते। ये कौन सा? ये वाइट टाइगर है। अच्छा, ये मेल है? ये मेल है। तो ये इसका स्टाइल है, इतना सुनने का जी? इस तरह स्टाइल है। इसकी क्या एज है? इसकी एज तकरीबन 7 साल है। 7 साल है। ये वाइट है ना जी? ये अफ्रीका में कहाँ से पाए जाते हैं? जी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वैसे भी दुबई वालों ने भी रखे हुए हैं, दुबई में भी है ये। दुबई में वैसे हमने लाहौर में लिया था, रखे हुए हैं। कराची में भी है? कराची में भी है। क्या सामने है? फल मैंगो है। फल मैंगो है, फल मैंगो बोलते हैं ये। समंदर का ज़्यादा जानवर होता है ये, समंदर में ज़्यादा रहते हैं ये। तो फिश नहीं खाते? फिश खाते हैं, फिश इसको, इनको डलती है,
इसके तालाब के अंदर भी फिश है, है फिश तालाब के अंदर, फिश के अंदर फिश है तालाब के अंदर, लेकिन इनको ना लहदार डालते हैं वो तालाब के अंदर, इनके हाथ आए ना आए क्या मसला क्या नहीं, लेकिन इनको फीट फीट की तरफ जैसे फीट डालते हैं वैसे फीट डालते हैं, वो ब्लैक स्वान है, वो ब्लैक स्वान है, ठीक है। ब्लैक स्वान के साथ वो जो सामने दीवार के साथ है ना, ये जो आगे जा रहे हैं बड़ी चोंच वाले, हाँ इनको पेलिकन बोलते हैं, इनको पेलिकन बोलते हैं, हाँ हाँ। साबत मछली निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं साबत मछली, मछली निकल जाते हैं और इनकी जबान भी नहीं होती, तो आना है ये ब्लैक स्वान है, इसको हंस भी बोलते हैं, ठीक ठीक ठीक। इसकी एज कितनी होती है? ये तकरीबन 7-8 साल होती है इसकी, 7-8 साल। फिश ही खाता है ये? जी ये फिश ही खाता है, फीड खाता है ये, फिश बहुत कम फीड खाता है, फीड खाता है ये, ठीक ठीक। ये क्या है? ये गिदड़ है और आम पाए जाते हैं ये लोग, ये आम जानवर पाया जाता है गांव में खेतों में, ये होते हैं गांव में? जी बिल्कुल होते हैं। इनकी क्या एज है? इनकी एज तकरीबन 15 साल होती है, लेकिन ये 4 से 5 साल का होगा, ये 4 से 5 साल का होगा। कौन सी हैं? ये ग्रे पैरट होते हैं, अफ्रीकन, अफ्रीकन ये बोलते भी है ना? जी जी। ये दो जोड़े हैं यानी के? इनकी क्या प्राइस होती है बच्चे की? एक मेरा ख्याल से 35 का इसका बेबी मिलता है, 35,000 का। क्या बताएं जरा, मोर है, कौन सी नस्ल है ये? बड़ा प्यारा ये तो। ये बताएं ये क्या है जनाब, ये बताएं? ये फिजेंट है सर। ये भी फिजेंट है? ये वाइट वाला क्या है? ये वाइट वाला नारा है, अभी दो मादा है। ये फिजेंट है, नाइट वाला नारा है, और ये दोनों मादा हैं। जी सर। इनकी क्या एज होगी? एज इनकी तकरीबन 7 साल होगी। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका। ये भी अफ्रीका से इम्पोर्ट किए हैं? रिंगनेट। ये फिजेंट की किस्म है रिंगनेट? अच्छा ये पैरेट है? ये पैरेट नहीं है, फिजेंट की एक किस्म है। फिजेंट की एक किस्म है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान में पाया जाता है। मैंने तो आज नहीं देखा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जंगलों में पाया जाता है। अच्छा ये पाँव पर नहीं खराब हुआ? अपनी मर्जी से ऐसे बैठा हुआ। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा प्यारा है ये तो, बहुत ही प्यारा है। क्या है ये जनाब? ये रिंगनेट है, गोल्डन। गोल्डन और गोल्डन जो है वो नारा है, ठीक वो है। दूसरी माटी है, दूसरी माटी है। ये क्या है देवता है? ये रिंगनेट है सर, गोल्डन। ये रिंगनेट है, गोल्डन। नार और मादा? ये दोनों नार है, दोनों नार है, दोनों नार। जो नार होता है वो नार होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाकिस्तान में पाए जाते। ये पाकिस्तान में पाए जाते? पाकिस्तान में और अफ्रीका में, दोनों में पाए जाते। बड़े चौकस हैं ये तो।
थोड़ा सा बताएं आप। ये जो खुश्की के कछुए हैं, खुश्की के ये पानी में नहीं रहते? नहीं, पानी में ये नहीं रहते। उसकी वजह ये जानवर ही खुश्की का है। अच्छा, ये इनकी किस्म जो है ना टटर की, ये है ही खुश्की वाला। ठीक, पानी में ये जाते ही नहीं। इनकी एज वैसे कितनी होती है? एज होती तो तकरीबन 50-60 साल हो जाती होगी, जैसे अभी ज़्यादा होती होगी, लेकिन ये जो है तकरीबन 10 साल के। तो ये 10-10 साल के हैं और ये घास ही खाते हैं? जी घास खाते हैं, वो फूड वो पड़ा हुआ सामने आपके। पानी में यानी कि जा ही नहीं सकते ये। ये जी अब हम देख रहे हैं ये लुदर है। अच्छा, ये कौन सा जानवर है बताएं जरा मुझे? दरियाई घोड़ा है ये। दरियाई पानी के अंदर ही ज्यादातर रहता है, पानी के अंदर 4-4 घंटे पानी के नीचे सतह में रह सकता है, सांस भी पानी के अंदर ही लेता है, जैसे आम जानवर मछली वगैरह दूसरी लेते हैं ऐसे ही।